डॉक्टर कलाकृति। क्लास फाइव लेट्स रिव्यू वन 2011 फाइनल सर 11 क्वेश्चन द प्लेस वैल्यू ऑफ 19 2910435 इस 9 का प्लेस वैल्यू बताना है। 9 के बाद 6 दो अंक है इसीलिए 9 पर 6 जीरो होगा अर्थात डी ऑप्शन इसका सही होगा। 12 नंबर 7982601 1 से कोई भी अंक को अगर भाग देते हैं तो उतना ही होता है इसीलिए इसका आंसर 7982601 होगा सी ऑप्शन सही है। 13 द एलसीएम ऑफ 8, 36 and 48 तो 8, 36 और 48 का एलसीएम यहां निकाले हैं। पहले 2 से भाग दिए तो 4, 18, 24 आया फिर 2 से भाग दिए तो 2, 9, 12 आया फिर 3 से भाग दिए तो 2, 3, 4 आया फिर 2 से भाग दिए तो 1, 3, 2 आया। इस प्रकार एलसीएम हो गया 2 × 2 × 3 × 2 × 3 × 2 = 144। इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही है। 14 में द वैल्यू ऑफ 6 × 11 + 9 × 22 − 5 × 11 = 11, 22 और 11 तीनों का एलसीएम करेंगे 22 आएगा। 11 से 5 के 22 को दो बार में 2 × 6 = 12 आएगा। 22 से 22 में डिवाइड किए तो 1 आया और 1 टाइम क्या कहता है 11 से 22 में भाग किए दो बार में तो 2 × 5 = 10 आया। इस प्रकार 11 × 22 = 1/2 1/2 इसका आंसर हुआ ए ऑप्शन सही है। 15 में द वैल्यू ऑफ 8 × 15, 6 × 55, 75 × 24 तो गुना है इसके बीच में गुना रहने पर अगर बचता है ऊपर नीचे तो काट सकते हैं। इस तरह से हम 8 × 25 से 75 को 3 बार में काटे हैं और इस 3 से 15 को 5 बार में काटे हैं और 8 से ये 6 से 24 को 4 बार में काटे और 4 से 8 को 2 बार में काटे। इस प्रकार ऊपर में 2 बच गया और नीचे 5 बच गया तो 2/5 डी ऑप्शन इसका सही हुआ। 16 में द फ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू 0.0605 अर्थात इस डिसिमल को फ्रैक्शन में बदलना है तो डिसिमल के बाद 4 अंक है इसका मतलब है 1 पर 4 जीरो नीचे होगा तो इस प्रकार 0605/10000 आएगा। आगे के जीरो का कोई वैल्यू नहीं है इसलिए 605/10000 अर्थात डी ऑप्शन आया। इस प्रकार हम लोग अब इसके आगे फिर कल पढ़ेंगे।